अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। देखिए, इतने दिनों से मेरा कोई भी वीडियो अपलोड नहीं हो रहा है क्योंकि मेरी तबीयत ठीक नहीं है। सर्दी मेरे को बहुत हो गई है क्योंकि मौसम जो है बदल चुका है। अब बारिश के बाद में थोड़ी थोड़ी ठंडी लग रही है और जहाँ मैं रहती हूँ वहाँ पर थोड़ा ठंडा मौसम हो गया है। तो देखिए, मैं जो हूँ जो कल जो कपड़े धोकर डाले थे वो अब निकाल रही हूँ विंडो में से। और यहाँ पर जो है, देखिए मेरी खिड़की में से जो है इतनी अच्छी हवा आ रही है। और ईद मिलाद थी तो हमने जो है यहाँ पर झंडा लगाए थे। अब महीना अब जो है पूरा पूरा ख़त्म होने आ रहा है तो अब इसे निकाल के धोकर रख दूँगी। अभी फ़िलहाल जो दो दिन बाकी है तो अभी थोड़ा रहने दूँगी और एक दो दिन। तो देखिए, कपड़े जो है मेरे सूख गए थे कल डाले हुए और अभी के धोए हुए अभी डाल दूँगी मैं कपड़े। और देखिए, यहाँ पर जो है ना हमारे जो बिल्डिंग का जो ग्राउंड है, आप देख रहे हैं नीचे कैमरा मैंने किया हुआ है तो जितना पॉसिबल हो रहा है मैं दिखा रही हूँ आप लोगों से। तो देखिए, हम लोग के यहाँ पे ऐसा जो है चादरें गोदड़ी जो अब ठंडियाँ आने लगी है ना, तो इसके लिए जो है सब जो अपना बिस्तर है वो धो रहे हैं। और यहाँ पर सूखने के लिए बहुत अच्छी जगह है, जो पीछे दीवार है वहाँ पर डाल देते तो धूप अच्छी लगती है क्योंकि विंडो में जो है ना अच्छे से सूखते नहीं है जो बड़े बड़े कपड़े होते हैं ना। और मशीन में भी ज़्यादातर इसको नहीं डालते क्योंकि मशीन ख़राब होने का भी डर होता है। तो देखिए, इस तरीके से जो है कपड़े गुदड़ी सूख रही है। और मैंने भी धोए थे अपने, कुछ बिस्तर धो के रख ली हूँ मैंने भी ताकि आने वाले टाइमों में जो है वो काम आए। तो देखिए, इस तरीके से हमारे जो नीचे का ग्राउंड है वहाँ पर इस तरीके से डाल देते, अच्छी धूप लगती है और फौरन सूख भी जाते हैं। और देखिए, यहाँ पर जो है मैंने कपड़े जो घड़ी कर लिए वो कबाड़ में अब मैं रख रही हूँ। जो कपड़े सूख गए थे उसे मैं रख रही हूँ अंदर। तो इस तरीके से मेरे डेली रूटीन के जो हमारे काम होते वो आज मैं आप लोगों से शेयर कर रही हूँ। तो देखिए, मैंने इस तरीके से जो है मैं बेडशीट लगाती हूँ अपनी। ये मेरा पहले से एक देसी जुगाड़ है, मैं जो चम्मच से जो है चादर को अंदर खोसते रहती हूँ ताकि वो निकले ना। तो देखिए, ये जो वाला गद्दा है, ये एक गद्दा एक्स्ट्रा रखते, बच्चे जो है वो नीचे डालकर कभी कभी सो जाते। तो इस तरीके से अब जगह कम है इसलिए इसको पलंग के ऊपर ही फिक्स कर लिया है थोड़ा एडजस्टमेंट करके। तो देखिए, चादर देखे कितने अच्छे से मैंने लगा ली हूँ। तो इस तरीके से जब चादर लगाते हैं ना हम लोग तो ये पूरा दिन रहती है, निकलती नहीं, खसकती नहीं है। तो देखिए, ये जो साइड में है मेरा एक छोटा सा सोफ़ा या सीटी या जो है दीवान जो भी आप बोले, तो इस पर भी जो है मैंने कवर लगा लिया है। तो इसको साफ तो ये वैसे है लेकिन इस पर भी थोड़ा सा हम थोड़ा डस्ट कर लेंगे, थोड़ा सा सफाई इसके ऊपर भी हम कर लेते। तो क्या है ना, धूल बहुत आती है और सर्दियों में तो ऐसे भी जो है ज़्यादा ही धूल आने चालू हो जाती है। और देखो, ये मेरी छोटी बेटी है, इसका नाम इकरा है। अभी छुट्टियाँ है तो घर में है। और अभी देखिए, फोर्थ स्टैंडर्ड में और माशाल्लाह इसकी हाइट देखो है ना, 10 साल की है और इसकी हाइट देखो माशाल्लाह है ना। देखिए, इस तरीके से जो है मुझे रोज़ाना इसे साफ करना पड़ता है क्योंकि धूल जो काफ़ी आती है ना। धूल का तो कोई इलाज ही नहीं कर सकता है, मिट्टी जो है धूल जो है बहुत आती है। तो इस तरीके से पूरा साफ करना पड़ता है रोज़ाना, मुझे पूरा टाइम मेरा इसमें ही जाता है। घर की साफ सफाई में साफ सफाई बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, सफाई जो है आधा ईमान है ना। तो हमें जो घर की सफाई पर बहुत ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, इससे क्या चीज़ें भी अच्छी रहती है, लॉन्ग टाइम चलती है ना। ये तो मतलब गर्मियों में हमारे बहुत काम आने वाली चीज़ है।
तो देखिए यहाँ पर जो चटाई को भी जो मैं कपड़ा से ऐसा बांध के रखती हूँ ताकि इसमें जो है कुछ मतलब मट्टी या डस्ट वगैरह ना जाए। तो इस तरीके से जो चटाई को मैं अच्छे से कवर कर लेती हूँ और जब रात में या कभी भी कुछ काम पड़े तो इसे इसमें से निकाल देते हैं। तो इससे क्या होता है ना, चीज़ों की हिफाजत भी होती है और उसमें जो डस्ट वगैरह नहीं लगता है जाले वाले, और जो धूल वगैरह से बच जाता है ऐसा कपड़ा लगा के चटाई पर रखने से। तो देखिए यहाँ पर जो है मैंने एक रजाई बना ली हूँ। पुराने कपड़े जो थे मेरे पहले के वो दिए थे और जो थे थोड़े पैसे दे दिए थे, 300 रुपये दिए थे उसे। तो टेलर ने जो इसे अच्छे से सिल लिया है और देखिए इसको जो पट्टी लगाया है बहुत ही अच्छा लग रहा है। ये पूरी रजाई बन गई है तो ठंडियों में इसकी बहुत ज़रूरत पड़ती है, बिछाने में भी या तो ओढ़ने में भी, या अगर मेहमान आ जाए तो उस तरीके से भी हमें काम आती है। तो देखिए इस तरीके से जो है पुराने कपड़े कभी भी आप लोग जो है फेंके ना, उससे आप रजाई बना सकते हैं अच्छी अच्छी। तो देखिए इस तरीके से जो है कितना अच्छे से इसमें हमने यूज़ में ले लिया इसे। तो देखिए यहाँ पर जो है मेरे पास ये वाली एक क्या कहते हैं इसे, कालीन है। तो ये जो है मैंने खरीद ली थी ब्रश हमारे जो बिल्डिंग के नीचे ही आए थे बेचने के लिए, तो इसे भी जो है मैं धो लिया है, सारा ही बिस्तर धो लिया है मैंने सर्दियाँ आने से पहले ही। तो देखिए इसमें भी जो होता है ना, जो मेहमान आ जाए या तो फिर कभी कभी जो गर्मियाँ भी आती है तो इसे हम बिछा के सो जाते तो ठंडा लगता है इस पर भी एकदम। तो देखिए इसे भी मैं अच्छे से घड़ी कर रही हूँ। तो देखिए यहाँ पर जो है मैंने कूलर पे जो है एक कपड़ा लगा दिया है, रख लिया, झाँक लिया इसको ताकि इस पर धूल मट्टी ना जा सके, है ना। और देखो अब सारा काम जो है हो चुका है तो अब मैं झाड़ू निकाल रही हूँ। देखिए जो दिवाली वेकेशन है अभी 15 दिन का मिला हुआ, तो देखिए बच्चों ने अभी तक बैग अपनी जगह ले रखे, तो ऐसा ही होता है। और देखिए यहाँ पर जो पूरा जो घर है पूरा भर गया है उनकी बुक से, और इतने सारे बैग होते हैं ट्यूशन के, क्लासेस के, स्कूल के। तो देखिए ऐसे जो है ना मैंने इस तरीके से उनको एक खन दे दिया, और एक्स्ट्रा मैं 2-3 बैग ला के रखती हूँ। कभी क्या होता है छोटे बच्ची है तो उससे कभी बड़ी वाली का भी ऐसा हो जाता है, तो एक जो है 9th में और एक जो है 4th में मेरी लड़की माशाल्लाह दोनों भी, तो कभी जो चैन टूट जाती है अचानक या तो फिर बैग धोने में जाते तो एक्स्ट्रा 2-3 ला के रखती हूँ ताकि उनको वक्त पे काम आ जाए। तो ये सब तो चीज़ें करनी पड़ती है। और यहाँ पर जो मैं कबाट साफ कर रही थी, और देखिए ये जो है अभी जो कपड़े धो कर लेकर आई हूँ वो अब डाल रही हूँ सूखने के लिए। तो ऐसा ही चलते रहता है पूरा दिन काम, एक हाउसवाइफ को कभी छुट्टी नहीं मिल सकती है ना। सबको छुट्टी मिल सकती है लेकिन हाउसवाइफ कभी छुट्टी नहीं कर सकती है, उसे जो डेली के काम होते हैं वो उसे करना ही है। देखिए इस तरीके से जो है अब धूप है तो अब ये वाले कपड़े भी सूख जाएंगे जल्दी। तो देखिए मैंने यहाँ पर ले लिया है पोछा, और अब मैं जो ज़मीन साफ़ करूँगी तो ये जो मोप है ना इससे बहुत अच्छी जो है ज़मीन साफ़ हो जाती है। तो देखिए मैंने इसमें एक ढक्कन लाइज़ोल डाल दिया, इसकी खुशबू मुझे बहुत अच्छी लगती है।
तो देखिए अब जो है पोछा हो जाएगा, समझो पूरा घर साफ हो गया। तो देखिए हमारा जो है अब सफाई पूरी हो गई है। तो अब जो है बज गए हैं पूरे 12:30, तो दोपहर का टाइम है, तो अब खाने की तैयारी करते हैं। तो मैंने जो है कल जो है आज जो है हम सादा ही खाना बनाने वाले, दाल चावल बनाएंगे और उसके साथ में बोमिल का ठेसा बनाने वाली हूँ। तो यहाँ पर जो है मैंने ना छोटे वाले बोमिल लिए थे, सूखा बोमिल लेना है ठेसा बनाने के लिए। तो देखिए इसकी रेसिपी भी मैं आप लोगों से आज शेयर कर रही हूँ। तो देखिए ये जो छोटे बोमिल होते हैं ना, इससे ठेसा बहुत अच्छा बनता है बोमिल का। तो इस ये जो है मैंने पूरे 50 रुपये का एक वाटा लिया था, तो अच्छे मिल गए थे ये, तो मैंने ले लिया ये 50 रुपये का एक वाटा। तो अभी हम इसके जो है ना आगे की दूम और मुंडी जो है वो निकाल देंगे। तो थोड़ा थोड़ा हल्का हल्का हमें निकालना है इससे, क्योंकि बहुत पतले और बारीक है। तो दूम मुंडी निकाल देंगे और जो बीच का हिस्सा है वो हमें लेना है। तो देखिए इस तरीके से इसे साफ करना है, हल्का सा पीछे से इसकी दुम निकाल लेंगे बस। तो देखिए यहाँ पर इकरा जो है मेरी बेटी छोटी वाली, वो थोड़ी हेल्प कर रही है मेरी, अभी छुट्टियाँ है ना तो मम्मा की हेल्प कर रही है। और आएगा कुछ नहीं, लेकिन फिर भी थोड़ा थोड़ा कुछ ना कुछ करते रहेंगी। तो देखिए इस तरीके से सीख रही है मेरे पास। अभी ये भी जो है कुकिंग करेंगी है ना, जल्दी करेंगी ये भी। तो देखिए इस तरीके से हमारे जो है बोमिल अच्छे से साफ हो गए। तो देखिए यहाँ पर जो है मैंने थोड़ा सा पानी ले लिया है एक बाउल में, थोड़ा मतलब कि आधा से भी ऊपर, और ये जो बोमिल है हम इसमें जो है भिगा लेंगे। तो मैं जो ठेसा जो बोमिल का इस तरीके से बनाती हूँ, बाकी तो बहुत सारे लोग जो है इसे डायरेक्ट फ्राई। तो देखिए इस तरीके से मैं बनाती हूँ, बहुत सारे लोग जो है ना इसे डायरेक्ट भी फ्राई कर लेते हैं, लेकिन इस तरीके से क्या होता है ना, ये जो बोमिल है ये लोग बहुत मतलब यहाँ वहाँ सुखाते हैं, फिर जाके जो मार्केट में आते हैं। तो इस तरीके से क्या होता है, इसे भिगा कर दो फायदे होते हैं, ये साफ़ तो हो ही जाते और जो है ना ये जो भीग कर थोड़े नरम हो जाते तो फ्राई भी अच्छे से होते हैं, ठेसा भी जो है वो बहुत अच्छा बनता है। तो देखिए ये जो है यहाँ पर ठेसे में डालने के लिए मैंने जो है हरी मिर्च ली है तीखी वाली। तो देखिए तीखी वाली हरी मिर्च लेंगे हम 10 से 12। जो ठेसा होता है वो थोड़ा तीखा होता है, ये तो आपको पता ही होगा। तो इसके लिए इसमें लहसुन और मिर्ची जो है हमें अच्छी डालना है, ज़्यादा डालना है मतलब। तो मैंने यहाँ पे 10 से 12 मीडियम साइज़ की हरी मिर्च ली हूँ और 2 कांडी लहसुन की ली हूँ। तो लहसुन और मिर्ची से ही इसमें टेस्ट अच्छा आएगा, बाकी इसमें और कुछ डालना ही नहीं है। और नमक जो है हम थोड़ा बाद में डालेंगे, लेकिन अभी फ़िलहाल तो हमें इसे साफ़ कर लेते। तो देखिए यहाँ पर मुझे ना गिफ्ट मिला था ये ड्रेस, तो एक मेरी फ्रेंड है जो बहुत साल से हमारी दोस्ती भी है और समझिए बहुत अच्छा रिश्ता है माशाल्लाह। तो उनके घर में थी मिलाद शरीफ, तो उन्होंने सबको इनवाइट किया था हमारी फैमिली को, तो हम लोग गए थे तो उन्होंने मुझे ये गिफ्ट किया था। तो देखिए ये सना सफीना का कॉटन ड्रेस है, तो ये बहुत ही मेरे को पसंद आया है, इसका कलर और इसकी डिज़ाइन वगैरह,
और कॉटन जो है बहुत अच्छा होता है सना सफीना का। तो इस तरीके से देखिए इसकी प्रिंट कितनी माशाल्लाह अच्छी है, जो ब्लैक के ऊपर उसमें कलरफुल एकदम प्रिंट है, और इतना मुझे पसंद आया है ये वाला ड्रेस। ऐसे तो मेरे को कॉटन, हर तरीके का कॉटन पसंद आता है, लेकिन ये जो मेरी एक ख़ास फ्रेंड ने मुझे गिफ्ट, तो आप लोगों से शेयर कर रही हूँ। देखिए ये जो है ड्रेस बहुत ही मुझे पसंद आया है, और थैंक यू सो मच रुमाना आपा इतना अच्छा गिफ्ट मुझे देने के लिए। मैं ज़रूर इंशाल्लाह इसे सिलवाऊंगी भी और इंशाल्लाह पहनूंगी भी। और देखिए इसका जो दुपट्टा है ना वो भी बहुत अच्छा है, शिफॉन दुपट्टा है, और इसमें भी जो है पूरी जो है प्रिंट है, इतना अच्छा इसका दुपट्टा है, फुल दुपट्टा है, क्या नमाज में भी मैं इसे ओढ़ सकती हूँ। 2.5 मीटर के लगभग इसका दुपट्टा है, और बहुत अच्छा दुपट्टा है माशाल्लाह। देखिए कितना अच्छा इसमें प्रिंट है, सब चारों तरफ इसमें प्रिंट किया हुआ है, डिज़ाइन है। अभी तो जरा रोशनी कम इसलिए नहीं दिख रहा है, लेकिन वरना बहुत अच्छा है। देखो कितना अच्छा लग रहा है। हमने जो गीले करके रखे थे भिगा दिए थे, तो देखो इसमें जो इतने नरम हो गई है ना, ये जो है ना अच्छे से नरम हो गए। देखो इतने जल्दी कितने कड़क रहते हैं ये, और देखो कितने नरम के ऐसे हाथ लगाने से टूट रहे। बस इस टाइम पे हमें इसे जो है हम इसे धो लेंगे, है ना। तो चलिए इस तरीके की छलनी है हमारे पास, अब इसमें जो है हम पूरा अच्छे से इसको धो लेना है। देखिए इसमें ना थोड़ी गंदगी भी रहती है, तो हमें इसे थोड़ा धो के लेना है। इतना गंदा तो इसमें निकल गया है, उठाए थे इसे अच्छे से। तो देखिए यहाँ पर जो है मैंने दाल भी बना ली हूँ। आज जो मैंने कहा ना आपसे, हमें जो है एकदम सादा खाना बना रहे, दाल सादी दाल बनाएंगे और जो है ठेसा बनाएंगे बोमिल का। तो देखिए एक पैन रखा था, उसमें ऑयल अच्छे से गरम कर लिया है। तो ऑयल जो है हमें 2 चम्मच डालने हैं मीडियम साइज़ के, क्योंकि इसमें थोड़ा ऑयल ज़्यादा लगता है तेल। तो देखिए इसे मैंने डाल दिया है, इसे अभी हम थोड़ा सा फ्राई कर लेंगे, और मीडियम ही रखेंगे गैस का फ्लेम, ज़्यादा हमें हाई पे नहीं रखना है। मीडियम आंच पर इसे पकाएंगे, थोड़ा फ्राई कर देंगे इसे। तो देखिए ये जो इतना लहसुन हुआ है और इतनी हरी मिर्च, तो अब इससे हमें क्या करना है, इसे हमें पीस लेना है। तो हमें इसे थोड़ा मोटा ही पीसेंगे, एकदम बारीक नहीं करना है। ठेसा जो है ना, थोड़ा मिर्ची और लहसुन अक्खा अक्खा रहना ज़रूरी है। तो चलिए इसे मैं पीस लेती हूँ, और अभी जो है फ्राई हो रहे वो मिर्च। और देखिए ऐसा ज़्यादा मोटा पीसना है, ठेसे में कभी भी अपने को लहसुन और मिर्ची अक्की थोड़ा थोड़ा दिखना चाहिए, ऐसा पीसना है, एकदम बारीक नहीं करना है, तो इसका ही मज़ा आता है खाने में। तो देखिए यहाँ पर जो बोमिन हमारे फ्राई हो गए थे तो मैंने निकाल दिए, तो इतने ही लाल करने हैं हमें, बस इस टाइम पे निकाल देना है। तो देखिए यहाँ पर जो है उसी पैन में मैंने जो है 2 चम्मच जो है ऑयल डाल दिया था, अब इसके अंदर हमें मिर्ची को फ्राई करना है। तो देखिए यहाँ पर जो है मिर्ची अच्छे से फ्राई हो गई है, अब इसमें हम डाल देंगे आधा छोटा चम्मच जो है नमक डाल दिया है। तो नमक इस टाइम पे डाल देना, ताकि जो है मिर्ची में भी नमक लग जाए। तो देखिए अब जो है मिर्ची अच्छे से लाल हो गई है, फ्राई हो गई है। इस टाइम पे जो है हम इसके अंदर जो है ठेसा जो बोमिल है वो डाल देंगे।
तो देखिए इस तरीके से जो है हमें इसे हिला के नमक वगैरह मिर्ची जो है बोमिन में अच्छे से मिक्स हो जाएंगी और सिलो गैस पे रखेंगे और 5 से 7 मिनट रखेंगे। सिलो पे रखना है, ज़्यादा फास्ट नहीं रखना है। देखिए इस तरीके से अब जो है ये हो रहा है। मम्मा जो है अभी फ्राई कर रहे हैं पापड़। हाँ, दाल चावल के साथ पापड़ अच्छे लगते हैं ना। तो देखो तेल थोड़ा फ्राई लाल हो गया था, गरम कर ली थी, तो मैंने अब जो इसमें पापड़ डाल दी क्योंकि हम लोग को बहुत पसंद है दाल चावल और पापड़ अचार। आज का टेस्ट बहुत अच्छा रहता है ये खाने में, हल्का फुल्का और टेस्टी है और पैसे भी ज़्यादा नहीं यूज़ होते हैं ना, कम पैसों में अच्छी डिश बन जाती है। तो देखिए यहाँ पर हम लोग जो है खाने के लिए बैठ गए थे, तो मैं जो हूँ सबसे पहले मेरी छोटी वाली बेटी को बहुत भूख लगी थी क्योंकि काफ़ी टाइम हो रहा था, 2 बज के गए थे, तो उसके लिए मैं सबसे पहले खाना निकाल रही थी। तो मैंने देखो यहाँ पे दाल और चावल जो है उसे दे निकाल दिए, तो इस तरीके से मैंने उसकी प्लेट बनाई थी। तो देखिए दाल मैंने साइड में रखी और चावल जो है उसे साइड में रख के दिए है, और अब इसके अंदर मैं डालूँगी जो मैंने बोमिल का ठेसा बनाया है वो डाल दूँगी मैं, तो उसे भी मैं साइड में रख लूँगी थोड़ा सा, इससे ज़्यादा नहीं, ये तो वैसे ही इतना टेस्टी बनता है, थोड़ा ही ले लो तो ये पूरा मतलब पूरा जो खाना उसमें कवर हो जाएगा। तो इस तरीके से, और देखो सर्दी मेरे को इतनी हो गई है ना, बहुत ज़्यादा मुझे सर्दी हो गई है, तो इस तरीके से देखिए इसमें साइड में अचार रख लिया है और एक पापड़ रख लिया था, तो इससे क्या होता है ना, बच्चों का बहुत फेवरेट खाना है ये दाल चावल अचार पापड़ और ये ठेसा। तो देखिए अभी मेरी जो छोटी वाली खा रही है माशाल्लाह। तो आप लोग भी आइए हमारे साथ में खाने के लिए और देखिए, है ना, बहुत अच्छा लगा है, बोल रही है और थोड़ी शरारती बहुत है ये। और देखिए मैंने जो है अपने लिए भी थोड़ा सा निकाल लिया था क्योंकि सर्दी इतनी हो गई, खाना खाने का मतलब बिल्कुल ये नहीं है, लेकिन फिर भी भूख भी बहुत लगी है। तो देखिए मैंने जो है अब खाना ले लिया है, तो और नमाज भी मैंने पढ़ ली थी। तो देखिए आप लोगों को अगर मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी है, तो देखिए रेसिपी बहुत सस्ती है और हल्की है, हर किसी के घर में बनती होंगी, लेकिन जो है ठेसे की रेसिपी आज जो मैंने दी वैसा आप ज़रूर ट्राई करें। और अगर आज का आपको ब्लॉग मेरा पसंद आया है, पूरा मैंने जो एक पूरा पूरा फुल डे का मतलब आफ्टरनून तक मैंने आपको पूरा जो बताया है वो पूरा अगर आपको पसंद आया है तो आप मेरे ब्लॉग को। तो दोस्तों अगर आज का व्लॉग आपको पसंद आया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें जो नए लोग हैं वो, अगर रेसिपी अच्छी लगी है तो लाइक करें, तमाम दोस्तों में शेयर करें, बेल आइकन के बटन को प्रेस करें। फिर मिलूंगी एक अच्छी नई रेसिपी के साथ और व्लॉग के साथ, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।